बोल देते हैं, बोल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो बात अलग है। गठबंधन के नाते वोट दिए थे भैया, गठबंधन के नाते वोट दिए थे तो दिए थे ना आपको, गठबंधन को वोट दिए थे, हमको नहीं दिए थे। हम नहीं दिए, हमको गठबंधन को दिए हैं। आप जो आप यहाँ में आए, 10 लाख का काम हुआ है, कौन लेता है जो देता है, बताओ, काम आपके गाँव में नहीं हुआ है। घोसी से दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दौरान भाजपा जहां पूरे कुनबे के साथ लगी हुई है, वहीं इस चुनाव को अपने साख पर मान ले आए ओपी राजभर ने तो मानो भाजपा को जिताने की कसम ही खा रखी हो। इस बीच ओपी राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध करते और उनसे जवाब मांगते देखे जा सकते हैं। इस बीच वायरल वीडियो को बताया जा रहा है कि यह घोसी उपचुनाव के दौरान का है। इस बीच जब ओपी राजभर से उक्त वीडियो के बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा, अच्छा वो जो वीडियो वायरल हो रहा है कब का है? वो हमको अंदाज है कि जब हम बीजेपी से अलग हुए थे जी, तो एक मामला था, किसी के दरवाजे गए थे, अच्छा, तो वो लोग भ्रम में थे, उस केस में सुलह कर लिया लोगों ने, अच्छा, अभी कोर्ट में लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों ने भूल बस, चूंकि एक विधायक कोई चरागाह की जमीन कब्जा करने नहीं जाएगा, अमूमन चरागाह की जमीन सरकारी जमीन है जी, तो उन लोगों ने जो FIR कराई थी उसमें लिखा था कि चरागाह की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं, हम यहाँ हम रहे वाला बनारस का रहत है बलिया, कब्जा करब जाके हुआ गोसलपुर, ऐसा कुछ नहीं, उसी में वो भ्रम बस लोगों को वो लो। हालांकि इस वायरल वीडियो से जुड़े तमाम दावों को ओपी राजभर ने सिरे से खारिज करते हुए विपक्षी दलों पर भी यानी समाजवादी पार्टी पर गहरे आक्षेप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे पुराने वीडियोस वायरल करके लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस वायरल वीडियो में साफ ओपी राजभर से आम जनमानस सवाल पूछते और उनसे जवाब लेने की गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं।